हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीज फूड स्टेशन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हेल्दी, टेस्टी और बहुत ही कम टाइम में बनने वाले लड्डू की रेसिपी, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। तो आप भी इस लड्डू को बनाकर ज़रूर खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए। ये टेस्ट में भी बहुत अच्छे हैं, बनाने में है एकदम आसान और हेल्दी तो ये बहुत ज़्यादा है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे ओट्स, यहाँ पर मैंने इंस्टेंट ओट्स लिए हैं, आप चाहे तो रोल्ड ओट्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए होगी पीनट्स, कच्ची मूंगफली, और मिठास के लिए हम यूज़ करेंगे चीनी की जगह पर गुड़ के पाउडर का। और इसके साथ ही हमें चाहिए होंगे फ्लैक्स सीड्स, जिसे अलसी के बीज भी कहते हैं। और नेक्स्ट हमें चाहिए होगा पॉपी सीड्स, जिसे खसखस कहते हैं, और सेसमी सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल। तो गैस पर अब हम एक पैन रख लेंगे और मीडियम फ्लेम पर उसे गर्म कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो कच्ची मूंगफली हमने ली है उसे हमें रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट। अच्छे से हमें इसे भूनना है, जलाना नहीं है बिल्कुल भी। आप चाहें तो मार्केट से भुनी हुई मूंगफली डायरेक्ट भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये अब अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। तो इसे अब हम निकाल लेंगे, एक पैन में रख देंगे ठंडा करने के लिए। तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, सेम पैन में ओट्स जो हमने लिया था उसे भी भून लेना है। बस 1 से 2 मिनट लगेगा इसे भूनने में भी, ये जल्दी से भून जाता है। हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, तब तक आप इसे भून लीजिए। इसके बाद हम इसे भी खाली कर लेंगे एक बर्तन में। ये देखिए, ये हल्का सा ब्राउन हुआ है कलर में, तो इसे अब हम खाली कर लेंगे और ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। और सेम पैन में हम क्या करेंगे, जो हमने सेसमी सीड्स लिए हैं सफ़ेद तिल, उन्हें हमें ड्राई रोस्ट करना है। पर इसे रोस्ट करते समय आप ध्यान रखें कि गैस एकदम स्लो हो, क्योंकि ये बहुत जल्दी कलर चेंज कर लेते हैं। और ये देखिए, अब ये इस तरह से उछलने लगे हैं, पॉप कर रहे हैं, तो इसका मतलब अब ये भून चुके हैं। और सेसमी सीड्स यानी सफ़ेद तिल बहुत ज़्यादा हाई होते हैं कैल्शियम में, तो इनका यूज़ आप ज़रूर कीजिएगा लड्डू में। नेक्स्ट हम जो हमने पॉपी सीड्स लिए हैं इन्हें भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और इन्हें रोस्ट करते समय मैंने गैस बिल्कुल बंद कर दी थी, क्योंकि हमारा पैन ऑलरेडी गर्म था। तो अब ये भुन चुके हैं, इसे भी हम निकाल लेंगे और सेम पैन में हम इसे डाल देंगे। नेक्स्ट हम ले लेंगे यहाँ पर अलसी के बीज, और अलसी के बीज भी कितने फ़ायदेमंद है ये हम सभी जानते हैं। ये ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है वेजिटेरियन लोगों के लिए भी। और रेगुलर अलसी के बीज खाने से आपकी स्किन और बाल काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो हमें इसे अपनी डाइट में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये देखिए, ये इस तरह से जब फूल कर मोटे हो जाएं तो समझ जाइए कि ये भुन चुके हैं, और इन्हें भुनने में भी 2-3 मिनट ही लगेगा आपको। तो अब हमने सभी चीज़ों को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो अब जो हमने मूँगफली ली थी सबसे पहले, इसे हम क्या करेंगे, एक नैपकिन टॉवल में इस तरह से डालकर दोनों हाथों की हेल्प से मसल लेंगे। यहाँ पर हमें मूंगफली का जो बाहर का छिलका होता है उसे हम निकाल रहे हैं, पर ये आपको तब करना है जब मूंगफली पूरी तरह से ठंडी हो चुकी हो। तो इस तरह से आप हाथों से रगड़कर इसे निकाल लीजिए। ये देखिए कितनी आसानी से सारे छिलके निकल चुके हैं। अब इन्हें छानने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक तरीका बता रही हूँ। एक आप इस तरह से छन्नी ले लीजिए और उसमें इस मूँगफली का जो छिलका और ये दाने हैं इसको डाल दीजिए, और फिर इसके बाद आप इसे छानकर दाने अलग कर लीजिए और छिलका बहुत आसानी से अलग हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, और इस प्रोसेस में बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से ये हो जाएगा, ये देखिए। तो अब हम नेक्स्ट जो हमने बाकी के इंग्रेडिएंट्स लिए थे उसी में इस मूंगफली को भी डाल देंगे। और अब हमें क्या करना है, एक ग्राइंडर जार लेकर इनका एक फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। एकदम बारीक पाउडर नहीं भी बनाएंगे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा उसे मोटा ही रखिए, तभी आपको लड्डू ज़्यादा खाने में मज़ा आएगा। ये देखिए इस तरह का हमने एक दरदरा पाउडर तैयार कर लिया है, मैं आपको इसे दिखाती हूँ एक बार हाथ से भी। ये देखिए एकदम बारीक हमने इसे नहीं बनाया है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने गुड़ का पाउडर लिया था। अगर आपके पास गुड़ का पाउडर नहीं है तो आप जो गुड़ आता है नॉर्मल उसको आप ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें अब आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, तो इसे हम खाली कर लेंगे एक बर्तन में। तो बस अब तैयार है हमारा लड्डू का मिक्स। तो इसे अब हम खुशबू और फ्लेवर देने के लिए इसमें हम डालेंगे इलायची का पाउडर, और साथ ही हमें चाहिए होगा घी, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। अब इस इलायची के पाउडर को हम मिक्स कर लेंगे स्पून से, फिर हम इसमें डाल देंगे घी। घी अगर आपको लगे कि कम है तो आप थोड़ा सा और ले सकते हैं। तो स्पून से पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो इस सर्दी के मौसम में आप भी इस लड्डू की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के नट्स भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर जितने भी सीड्स लिए हैं वो सब बहुत ही हेल्दी हैं और उनमें हेल्दी फैट्स होता है। तो अगर आप डाइट पर हैं या फिर वेट लॉस जर्नी में हैं तब भी आप इन लड्डुओं को खा सकते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स में या फिर इवनिंग स्नैक्स में, क्योंकि ये हेल्दी फैट्स के साथ बने हुए हैं और साथ ही इसमें हमने जो भी आर्टिफिशियल शुगर है वो यूज़ नहीं किए। हमने यहाँ पर ऑर्गेनिक गुड़ के पाउडर का यूज़ किया है। आप चाहें तो गुड़ के पाउडर को भी स्किप करके आप इसमें डेट्स को पीस के डाल सकते हैं, ये और भी ज़्यादा हेल्दी बन जाएंगे। तो बस अब हम इन्हें हाथों में, दोनों हाथों में लेकर इस तरह से प्रेस करते हुए इनको लड्डू का शेप देते जाएंगे और नॉर्मली जैसे हम लड्डू बनाते हैं उसी तरह से हम लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अगर आपके लड्डू बनने में मुश्किल हो या फिर इसमें आपको लगे कि ये बंद नहीं रहे हैं तो आप घी थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं और फिर उनको बनाइए, ये बहुत आसानी से बन जाएंगे। आई एम श्योर इस सर्दी के मौसम में आप एक बार ज़रूर इस लड्डू की रेसिपी को ट्राई करेंगे, क्योंकि ये बनाने में बहुत आसान है और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है और खाने में टेस्टी भी हैं, जो कि आपके बच्चों को और आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो लीजिए तैयार है हमारे सारे लड्डू बनकर। ये देखिए देखने से ही लग रहे हैं ना एकदम टेस्टी, और घी भी इसमें हमने बहुत कम यूज़ किया है। तो आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह की रेसिपी आगे मैं लाती रहूँगी, तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो जल्द ही मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय।